सो ऑल राइट हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, सारवीन दिस साइड। और आज रिम लाइट पे बात होनी है। और स्टे ट्यून्ड, आप अपनी कुर्सी से चिपके रहें क्योंकि ये ट्यूटोरियल कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। रिम लाइट ड्राइंग है और ये फोटो मैंने बैक इन 2018 में क्लिक करी थी और उसी टाइम एडिट कर रखी थी और मेरे पे PhD पड़ी थी। सो मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाह रहा था, लेकिन रिक्रिएट तो पॉसिबल नहीं होगा। माउस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे इसे। तो जस्ट रिम लाइट कैसे ड्रॉ होती है, एक सिंगल और पॉइंट क्वेश्चन, उसी को मैं सीधे सीधे बताऊंगा आपको। और कैसे अच्छे से क्रिएट करा जाता है वो सब बताऊंगा। और स्टार्ट करने से पहले इसका आप आफ्टर एंड बिफोर देख लीजिए। तो ये था इसका बिफोर, और ये कोई DSLR से क्लिक नहीं है, ये फ़ोन से क्लिक फ़ोटो है और माउस से एडिट इमेज है। तो कोई चेंज नहीं है और कोई प्रेशर ब्रश आज यूज़ नहीं होगा, जो आप हर बार कहते हैं कि प्रेशर ब्रश है, प्रेशर ब्रश है। तो यार प्रेशर ब्रश होता थोड़ी है। अगर मैं माउस भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो प्रेशर ब्रशेज आएंगे सारे, और वो प्रेशर ब्रशेज लाने के लिए आपको यहाँ से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रशेज करना पड़ेगा, तब वो ब्रशेज आएंगे आप पे। वैसे नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार ये सारे ब्रशेज डिलीट होंगे, फिर फोटोशॉप एक नए पॉइंट से आपको सारे ब्रश प्रोवाइड करेगा, तो ये तभी आ पाएंगे ब्रशेज। मैंने एक बार रीसेट कर रखा था बहुत पहले, तो तभी से ये ब्रश आ रहे हैं, नहीं तो थे नहीं पहले ये ब्रश। ठीक है, तो ब्रश का जो सीन था वो आपको पता चल गया कि कैसे होता है। और अब एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि रिम लाइट आती कैसे है और रिम लाइट ड्रॉ करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कहाँ कहाँ ड्रॉ होती है। तो ये एक फ़ोटो, एक मुझे लगी दी बेस्ट फ़ोटो की आपको रिम लाइट समझाने के लिए, बजाय कि मैं अपने ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊं, क्योंकि एक आर्किटेक्चर है और यहाँ आपको वर्क अच्छे से समझ में आएगा और क्या क्या टूल्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ लाइन्स स्ट्रेट हैं, सीधी हैं, तो आपको समझने में भी ईजी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के बाद। सबसे पहले मैंने यहाँ एक डार्क बनाया था। डार्क इन्वायरमेंट जस्ट कैसे बनाया था, मैंने कलर लुकअप यूज़ कर रखा था मैंने यहाँ पे, ये था कलर लुकअप और नाइट फ्रॉम डे, यही वाला सेम। ठीक है, तो ये जब यूज़ करा था मैंने, तो इससे नाइट में कन्वर्ट हो गया पूरा सीन। अगर नाइट में नहीं होता कन्वर्ट, तो रिम लाइट दिखती नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने कर्व से थोड़े से लिफ्ट करे थे और शेडो में से थोड़ा पार्ट बाहर निकाला कि कुछ ज़्यादा ही डल दिख रही थी नाइट में। ठीक है, तो डार्कनेस इतनी दिखती है। और अगर आपको लगता है कि कम करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इज ओके रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे नाइट का सीन ये बहुत सही था। और यहाँ पे क्लाउड्स व्लाउड्स पहले से ही परफेक्ट थे, तो मेरे को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो यहाँ मैंने एक ब्राइट डाल रखा था, जिससे मैं रिम लाइट कहाँ कहाँ ड्रॉ करूँगा वो फाइंड आउट कर सकूँ। तो ये ब्राइट ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ब्राइट कैसे करेंगे, आप जस्ट कर्व्स को ऊपर खींच के ले जाएं, जहाँ तक आपको लगे कि हाँ यहाँ तक मुझे दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है, दिख जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने रिम लाइट ड्रॉ करनी चालू करी थी यहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक है, अब रिम लाइटनिंग यहाँ से कैसे ड्रॉ हुई थी, और आप देख सकते हैं कि अब कैसे दिख रहा है वो परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से क्लोज आउट और क्लोज इन करूँ। ठीक है, अब मैं सैम्पल लेता हूँ इस कलर को, जस्ट जो भी कलर लें आप उसको थोड़ा सा लाइट कर लें, हल्का सा, क्यों एक परफेक्ट लग गए अच्छे से। थोड़ा वो येलो की तरफ चला गया था। हाँ, अब ग्लो सही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने तीन पार्ट में ग्लो कर रखा है। सबसे पहले मैंने जस्ट एक मेन, एक आउटर ग्लो हर जगह का, और एक ये था जो ओवरऑल ग्लो प्रोवाइड करेगा कि वहाँ लाइटनिंग अच्छे से दिखे। इसे आप स्क्रीन की बजाय ओवरले भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा पॉपी टाइप सा दिखेगा, लेकिन स्क्रीन भी बेटर रहता है हर केसेस में। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करने का फंडा बताता हूँ मैं। ये तो 2018 का स्टाइल है, अब 2020 के स्टाइल थोड़ा अलग ही होगा। तो यहाँ से आप लेंगे अपना पेन टूल, इजी। ठीक है, और यहाँ पे एक जस्ट ऐसा लगे कि हाँ अनइवन टाइप सा मार्क, और फिर एक शेप ड्रॉ करिए आपने।
जिस शेप से आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट इनर ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे, अब जब ये वाला पॉइंट आता है तो इसे ऑल्ट दबा के आपको ऐसे लाना है, और फिर यहाँ क्लिक, और ये ऐसे जस्ट उसे मास्क आउट कर देना है चीज़ को जहाँ जहाँ आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा और आगे जाएगा, थिंक यहाँ तक परफेक्ट रहेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ थोड़ा सा आगे स्पेस बार दबा के, और फिर यहाँ से सीधा, और यहाँ जाए, और फिर मेक सिलेक्शन, ठीक है। फैदर आपको एक का रखना है, ओके। और फिर इसे थोड़ा बैक कर दीजिए एंड ऑल्ट डिलीट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ परफेक्ट बन गया है, लाइक जैसे ये था, इसमें थोड़ा आगे तक कर रखा है मैंने कि वो शेड बनाने के लिए, तो वो भी अभी ड्रॉ करेंगे। पैनिक नहीं हुई है किसी भी चीज़ को लेके जल्दी से, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आ गया मेरे पास, अब मैं ब्रश यूज़ करूँगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं कोई प्रेशर सेंसिटिव चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ मैं बिल्कुल हार्डनेस लो रखता हूँ, धीरे 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 धीरे। तो एक स्मूथी कर्व बन गया, और फिर उसके बाद जस्ट मुझे इरेजर लेनी है, और इरेजर को भी आपको हमेशा हार्डनेस कम रखनी है उसकी इरेजर की, और यहाँ मैं प्रेफर हमेशा इरेजर करता हूँ मास्क के ओवर, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ बचाना नहीं है, इरेज ही करना है। और यहाँ से आप ये बिल्कुल जो शेप होती है इसको ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अगर शेप नहीं होगी ना आपके इसमें तो फील नहीं आएगी वो वाली, लाइक ऐसे आप शिफ्ट से भी कर सकते हैं, शिफ्ट बहुत यूज़ करता था मैं माउस के टाइम पर, अभी याद आया। तो एक इससे कटआउट बहुत प्यारा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फिर इरेजर हटा के आपको पेन लाना है, पी दबा के, पी कह रहा हूँ, ब्रश, और फिर इसको भी अच्छे से स्मूथी स्मूथी हर चीज़ परफेक्ट कर देनी है आपने, ठीक है। तो ये आपका पहला बेस हो गया, ठीक है। तो इसे ग्रुप कर देता हूँ मैं। अब जो हमारा है ये था, इसमें हमने बेस बना लिया, अब ये ग्लोइंग पार्ट्स रखते हैं, लाइक ये अंदर अंदर के ग्लो, और फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो यहाँ अभी मैं दिखाऊँ कि ये ऐसे लाइट में आप रिम लाइट ड्रॉ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ मैं ब्राइट जैसे ही बंद करूँगा तो वो देख सकते हैं वो पार्ट कितना अच्छा ग्लो लग रहा है वहाँ पे। तो आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वहाँ करना क्या था, ठीक है। अब उसके बाद मैं फिर से ब्राइट को इंक्रीज में वो स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ से ब्रश लेता हूँ। अब मेरे को हार्डनेस बहुत कम चाहिए होगी, तो यहाँ मैं हार्डनेस बहुत ही कम रखता हूँ, और फिर यहाँ रिम लाइटनिंग ड्रॉ करता हूँ एजिस पे। तो एजिस पे आपको ये देखना है, ऐसे ले गया है शिफ्ट प्रेस करके, तो ठीक है। अब ये अनइवन एजिस है तो यहाँ आपको खुद ही पेंट करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं कितना आराम से पेंट हो रहा है। और हमेशा एजेस पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पेंट रखें, इससे एक अच्छा हाईलाइट टेक्सचर आता है और अच्छी भी लगती है फोटो थोड़ी सी। अब उसके बाद इसके अंदर से भी लाइट निकलेगी, तो इन पे भी जस्ट ब्रश से थोड़ा थोड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लो मेरा 15 पे है, तो
इसमें कितनी मेहनत लगती है, इसलिए मैं माउस से नहीं करता रिम लाइट ड्रॉ कभी जल्दी। अभी टैबलेट से कर रहा होता तो बहुत जल्दी हो जाती, लेकिन अब टैबलेट 36,000 का हो गया तो समझ सकता हूँ मैं हर चीज़ को। लॉकडाउन की वजह से हर किसी को प्रॉब्लम आ गई है, तो माउस ही बेटर रहता है। तो माउस में थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है बस, और कुछ नहीं होता इतना। धीरे धीरे जहाँ से आपको लग सकता है कि लाइट आ सकती है बाहर, तो मैं अभी आप देख सकते हैं कि मुझे एक पॉइंट करने में कितना टाइम लगा था। उस फोटो को मैंने शायद 2 दिन लगाए थे तब जाके हुई थी। उसका भी ट्यूटोरियल बहुत पहले डाला था, लेकिन रिम लाइट इतनी एक्सप्लेन नहीं थी उसमें डिटेल में। तो पुराना ट्यूटोरियल तो डिलीट कर दूंगा मैं, और ये न्यू अपलोड हो जाएगा अब कि रिडंडेंसी ना आ रहे। सो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, माउस चलाए हुए बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने शायद। हाँ, मैं यहाँ चाहूँ तो फ्लो बिल्कुल अप भी रख सकता हूँ, लेकिन फ्लो अप रख के वो फीलिंग नहीं आती है जो होनी चाहिए। सो मेन टारगेट आपको ब्लैक पार्ट्स के बाहर भी रखना है ऐसे, ये ब्लैक्स, और जिस जिस को PNG PST चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ आपको सर्च करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक होगी, बस आप उसे क्लिक करें और ज्वाइन कर लें ग्रुप में। अगर नहीं वहाँ से वर्क करती है तो टेलीग्राम ओपन करें, सर्च करें मेरा नाम सार्वेंद्र, चैनल का नाम, और जस्ट आ जाएगा वहाँ पे वो चैनल, तो आप वहाँ से इजीली निकाल भी सकते हैं चीज़ें। सो आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े मॉन्यूमेंट में मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, जरा जरा सी जगह पे भी। तो इससे क्या होता है कि परफेक्ट चीज़ें बनती हैं हमेशा। तो आप देख सकते हैं, अब भी मैं उसे वो करके दिखाता हूँ डे एंड नाइट में। सो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना अच्छा ग्लो क्रिएट हुआ है ये पॉइंट पे। अगर मैं इसे बंद करके दिखाता हूँ तो देखिए वो लाइट की रिफ्लेक्शन क्या परफेक्ट बन रही है वहाँ पे, कि हाँ वहाँ से ग्लो आ रहा था रियली इसमें। ठीक है, अब उसके बाद मैं बनाता हूँ एक आउटर ग्लो, जिसे कहते हैं मतलब बड़ा टाइप सा ग्लो रहता है, और इसमें ब्रश थोड़ा बड़ा ही रहता है हमेशा, और फ्लो रहता है 1% का, 1 या 2, जो भी आपको वेरी अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे करना होता है धीरे धीरे ब्रश। ठीक है, अब एक मेन चीज जो इसमें है और इसमें है, ठीक है, तो इसमें जो भी लाइट आ रही है वो इधर जा रही है, डायरेक्शन इधर का है, मतलब लेफ्ट साइड का है। अब मेरे को डायरेक्शन पुट करनी है उसमें, तो डायरेक्शन कैसे पुट होगी, जैसे मैंने यही वाली लेयर है यही डायरेक्शन पुट कराएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको अब इरेजर यूज़ करना है, और इरेजर की हार्डनेस को इंक्रीज करना है थोड़ा, और फिर इधर से बस जस्ट क्लिक, ओके। एजिस से बस हटा देना है आपको, कि बस ये लगे कि एक डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। तो अब आप देख सकते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे लाइट जा रही है। तो इसे अच्छे से रिफाइन कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं अब ऐसा लग रहा है कि इधर ही लाइट निकल रही है इससे। अब जब आप इधर ड्रॉ करेंगे तो आपको इधर करनी होगी, तो ये एक बहुत टीडियस टास्क था इतना सही। तो आप देख सकते हैं ग्लो कैसा आ गया। तो मैं अगर इसे कॉपी कर दूँ भी और
कमांड ई से कि सेम्प्ट आउट, और फिर फ्लिप कर दूँ हॉरिजॉन्टल, और फिर जस्ट यहाँ पुट कर दूँ। तो कुछ हद तक ऐसे मैच हो जाएगी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पे ग्लो कितना परफेक्ट हो गया है। अब ऐसी ही चीज़ें मेरे को सारी जगह करनी पड़ेगी। अगर मैं इधर की खिड़की का ग्लो लेता हूँ तो वो इधर पेस्ट हो जाएगा, मतलब हाफ साइड मुझे वर्क करना पड़ेगा, हाफ में वो पेस्ट उल्टा हो जाएगी। तो एक यही कॉमन सी टेक्निक थी इसमें जो मैंने यूज़ करी थी। नहीं तो आप देख सकते हैं अगर मैं एक इतने से पार्ट में ही वर्क कर रहा हूँ तो मुझे अब 15 मिनट लग गए, तो बाकी पार्ट में करूँगा तो फिर कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए ये एक पॉइंट था जहाँ मेरे को कुछ समझाना था कि आपको रिम लाइटनिंग कैसे ड्रॉ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कैसे इजीली यहाँ ड्रॉ होती है। और अब मैं बताता हूँ एक और ट्रिक जिससे आप रिम लाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और वो ये था कि इंस्टा लाइक यहाँ पे था एक, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टा लाइक कैसे आया था और ये कैसे क्रिएट हुआ तो इसे भी मैं बताऊंगा। बस थोड़ी सी देर रुक जाएं आप। सो इंस्टा लाइक तो वही था, सेम प्रॉपर्टी थी कि आपको कुछ करना नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, आपने सबसे पहले लाइक लेना है और फिर उसको ब्लर करना है, गॉसियन ब्लर डालना है जितना भी आपको पसंद हो, और उसके बाद स्क्रीन मोड में कर दीजिएगा। नॉर्मल में करेंगे तो ऐसा दिखेगा, स्क्रीन में कुछ ऐसा आएगा तो वो ग्लो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लो इतना हो गया और कोई इतना पंगा नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। अब उस ग्लो को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेन टूल लेना है, पेन से यहाँ सिलेक्शन देना है और यहाँ सिलेक्शन देना है एक लाइन, ठीक है। अब स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक पाथ, ब्रश प्रेशर, सिमुलेट ब्रश प्रेशर एंड ओके, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट पाथ करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बनी होगी लेकिन वो दिख नहीं रही होगी। वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमारी जो ब्रश की सेटिंग थी वो गलत थी। अब उस ब्रश की सेटिंग को कैसे लाया जाए ऊपर वो भी मैं बताता हूँ। पहले यहाँ आपको ब्रश लेना है और फिर जितना ग्लो चाहिए उसके हिसाब से उतने रेडियस पे लेके जाना है। जैसे आपको ये है, ग्लो का कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके देखिए, तो वो ड्रॉ नहीं हो रही अभी सही से। तो यहाँ से फ्लो इंक्रीज़ करना है हमें, फ्लो बिल्कुल आप देख सकते हैं वो परफेक्ट लग रही है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी सी हार्डनेस बिल्कुल 0 पे ही लेके जानी है, और थोड़ी सी दी लीजिएगा अराउंड 5 से, ठीक है। और जस्ट अब पेन टूल की तरफ बढ़ना है आपने, एंड जस्ट स्ट्रोक, सिमुलेट है ओके एंड डिलीट पाथ। तो आप देख सकते हैं वो एज कैसे बनी है बढ़िया से। अब सेम एज मैं यहाँ लाता हूँ, स्ट्रोक पाथ ओके और डिलीट पाथ। तो अब देख सकते हैं आप वो जो पॉइंट था कि ऐसे ये आ गया है। अब मेरे को लाना है ये साइड में ग्लो, तो ग्लो के लिए न्यू लेयर बनाई और यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए आप, और फिर इसी ब्रश को बड़ा और जस्ट फिर यहाँ से अंडरलाइन लेयर स्प्लिट। तो आप देख सकते हैं वो इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है अच्छा सा। तो एक पॉइंट आएगा जब ब्लैक भी विजिबल हो जाएंगे, तो ब्लैक विजिबल करना है आपने, ठीक है। और यहाँ से जस्ट ऐसे जहाँ आपको लगे कि ग्लो आना चाहिए मेरा तो वहाँ वहाँ पे कर दीजिएगा, और यहाँ आना चाहिए इसका ग्लो, और फिर इरेजर, मैजिकल इरेजर जो आपकी होती है हमेशा, इसकी हार्डनेस कम
कि वो एक अब लाइट लगे अंदर से आती हुई, ब्रश फिर से, और फिर इरेजर, कैसे ठीक है। तो इस बार थोड़ी न्यू क्रिएशन दी है मैं हल्की सी, और यहाँ से हल्का सा इसे इरेज भी कर देते हैं, इरेजर पे आके फ्लो को ले आते हैं 3 पे, और जहाँ हल्का सा इरेज, कि इतनी दूर लाइट स्ट्रॉन्ग ही नहीं आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा साइंस हल्का सा आपको लेना होगा, तो होप आप ये समझ गए होंगे ट्यूटोरियल। इतना डीप में मैंने कभी रिम लाइट नहीं समझाया है, और वो भी माउस से कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये ट्यूटोरियल पूरा आपका देखना बनता था, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिम लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हर किसी के लिए समझना। तो रिम लाइट इसमें पूरा एक्सप्लेन है अच्छे से, माउस से कैसे ड्रॉ होती है। तो ऐसे ही करके आपको ये पूरा लेके जाना होगा, और जब एट दी एंड अगर मैं इसे हटाऊं यहाँ पे अभी, ये चीज़ों को जो जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ठीक है, जैसे ये है, इसे भी हटाऊं, तो जब क्रिएट हो जाता है ना, मतलब लाइक दिस राइट, ठीक है। तो यहाँ अभी भी कलर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मेन चीज़ आती है जब आप कलर ग्रेड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर ग्रेड का कितना मेन रोल है। तो कलर ग्रेड का तो एक सेपरेट ट्यूटोरियल होगा, क्योंकि ये बहुत इंटेंस टाइप की कलर ग्रेड है, और इसे आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि ऐसी कलर ग्रेड कैसे कर सकते हैं कि आप पॉपी कलर ग्रेड ले आएंगे और बहुत तगड़ा लुक हो जाता है यहाँ से वहाँ तक। तो आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा। सॉरी, यहाँ पे ये बंद है हल्की सी चीज़ें, तो थोड़ा और दिख रही थी। तो यहाँ कलर ग्रेड बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके ऊपर शार्पनिंग लेयर इंस्टाग्राम की, कि फोटो फटे ना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आपने इतनी चीज़ें देखी और समझी है। कलर ग्रेड के लिए भी मैं सेपरेट बनाऊंगा, आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि कलर ग्रेड पे भी बनानी है। अगर 20 कमेंट्स आएंगे तो ज़रूर मैं बना दूंगा। और जैसे रिम लाइट का था, हर किसी को चाहिए था, तो रिम लाइट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और यहाँ भी सेम चीज़ यूज़ हुई है। आप देख सकते हैं इधर ड्रॉ करी है मैंने, इसमें भी यहीं ड्रॉ करी है, इसमें भी यहीं ड्रॉ करी है। तो लॉजिक बाय द वे सारी जगह सेम ही यूज़ करा है मैंने, कहीं अलग लॉजिक यूज़ नहीं कर रखा है। इसके अंदर जो लॉजिक यूज़ करा है वो है मैंने स्क्रीन का यूज़ करा है, लाइक जैसे ये दीवार पे ग्लो हुआ था ये वाला, तो सेम यहाँ पे ये ऐसे ग्लो कर रखा है मैंने। तो एक बहुत अच्छा लुक आया था ये सफदरजंग टॉम का, शायद ये वही है ना। सो यहाँ पे जस्ट रैप अप करता हूँ मैं ट्यूटोरियल को, और ये पोस्ट हो जाएगा थोड़ा 2-3 बजे तक, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप डाउन।